दोस्तों, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ गया है और आपको जाना है ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है, तो एक कंफ्यूजन हमेशा एस्पिरेंट के मन में रहता है, चाहे वो कोई भी साहब बंदा हो, किसी भी एग्जाम से सिलेक्टेड हो, एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा चलती है कि मैं वहाँ फर्स्ट ऑफिस में जाके करूँगा क्या, मुझे कैसे फेस करूँगा ऑफिस में जाके, वहाँ जो स्टाफ हो गए, मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ, तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगा। तो देखो, मैंने भी फेस किया हुआ है, यूट्यूब पे कहीं भी कोई प्रॉपर वीडियोस नहीं है इसके ऊपर कि थोड़ा गाइड करा सके कि जो नो न्यू ज्वाइनिंग है वो जाकर ऑफिस में कैसे सेटल हो, किस तरह से टैकल करे प्रॉब्लम को, और रहने की व्यवस्था जो होती है वो कैसे करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इस पर अपना जो मेरा व्यू है जो मैंने फेस किया था उसको दूंगा, और आप लोगों के लिए सजेशन भी दूंगा मैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले पहले तो यह है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइनिंग लेटर लेकर हम लोग पहुंचते हैं डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट मीन्स जहां आपका सिलेक्शन हुआ है हम लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा विंग्स होता है, यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं इनकम टैक्स ऑफिस में आया था, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि TDS के यूनिट अलग है हमारा, INCI बोलकर एक अलग यूनिट है, CIT सेंट्रल अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, तो अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं। तो आपको, आप पहले कन्फ्यूज रहते हो कि मैं जाकर रिपोर्ट कहाँ करूँगा, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे ये बात लिखी होती है कि आपको किस यूनिट में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप ज्वाइनिंग लेटर को अच्छे से पढ़िए पहले, ज्वाइनिंग लेटर पढ़ने के बाद उसमें आपको मिल जाएगी कि मुझे कहाँ जाना है। अगर एक ही बिल्डिंग है, एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही यूनिट है, तो फिर कोई बात नहीं है। जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इस ऑफिस पे जाके वहाँ का जो एक OS होता है, जैसे कि मेरे केस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, आपके केस में भी एक बंदा कोई होगा जो कि सीनियर क्लर्क होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो होता है सीनियर क्लर्क जो होता है वहाँ का, वही ये सब मामला देखता है। तो आपको जाके उनको एक ज्वाइनिंग लेटर के साथ अपना एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसा होता है उसको हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। मैं इसके सामने भी एक लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक पेज लगा रहा हूँ जो कि मेरा था अपना, उसको देख के आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें वो ले जाना पड़ता है और उसके ऊपर एक स्टम्प लगाते हैं वो, कि जैसे कि मेरा ज्वाइनिंग 30 तारीख को हुआ है, तो 30 तारीख का एक स्टम्प उसके ऊपर लगा दिया गया है कि 30 तारीख को इस बंदे ने आगे यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिया है, ठीक है, और वो आपको मिल जाएगा वापस। और फिर क्या करना है आपको कि इन सारी चीज़ों को एक जगह, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी MTS से CGL वाले हैं, जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से, जो आपका स्टाम्प लग चुका है, ज्वाइन लेटर आ चुकी है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है TV में, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह अच्छे से करके इनको लाइफ टाइम के लिए आपको सिक्योर करना है, जब तक कि आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती है तब तक इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने पास रखना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि बस काम हो गया फेंक दिया इसको, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया, उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अब तो मेरा ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, उस दिन हो सकता है कि ऑफिस वाले बोले ठीक है आप जाइए आज कल आइएगा, हो सकता है कि आपको उस दिन कुछ काम करने के लिए दे दे चाहे बैठा दे, हो सकता है, ये ऑफिस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप सबसे पहले काम कीजिए कि आप अब रहिए कहाँ, अगर रहने की व्यवस्था आपको पहले से है तो ठीक है, क्वार्टर तो तुरंत मिलने वाला नहीं है, क्वार्टर भी लेट से मिलती है, जहाँ क्वार्टर नहीं है वहाँ उसकी बात ही छोड़ दो। तो सबसे पहले आप एक दिन के लिए कहीं जाकर एक होटल बुक कर लीजिए, एक दिन के लिए होटल बुक कीजिए, होटल बुक करने के बाद सामान रख दीजिए वहाँ पे, और तुरंत ऑफिस के लोग से ही मतलब पहले पता कर लीजिए कि आसपास कौन कौन से जगह है जहाँ रहा जा सकता है, ठीक है। तो अकेले आप देखिए, अगर कोई बंदा साथ में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको अकेले जाना पड़ेगा, अकेले निकलिए, लोगों से पूछिए कि यहाँ पर रूम रेंट कहाँ मिलते हैं, आसपास जहाँ भी ऑफिस होते हैं ना उसके आसपास PG बहुत सारे मिल जाती हैं, PG अवेलेबल रहती हैं। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 महीने के लिए आप PG में रह लीजिए, क्योंकि PG में रहिएगा तो खाना पीना सारा चीज़ वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है आपको थोड़ा बहुत, लेकिन 1 महीने के लिए आपका एक सेटलमेंट हो जाता है। 1 महीने में आप जगह को जान जाओगे, जानने के बाद क्या होगा कि 1 महीने के अंदर आप 10-15 दिन में उस जगह को पहचान जाते हो कि कहाँ पर क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके 1 महीने के अंदर आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं अलग रूम लेकर सेटलमेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो थी मेरे मन में भी थी कि यार कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो फेस किया है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आप भी न्यू ज्वाइनिंग है या फिर आप ज्वाइनिंग इन फ्यूचर करोगे तो ये वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन आपके काम का आएगा, ठीक है। और फिलहाल जिनका ज्वाइनिंग वाइनिंग होने वाला है और SSC के थ्रू कुछ भी डाउट वगैरह है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, चाहे जो बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं उनको डाउट हो रहा है, तो मेरा टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
कोई भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, ज़्यादा जरूरत होगी तो मैं अपना नंबर आपसे शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।